Hey everyone, today we are looking forward difference between watch, look and see. तो अक्सर ये जो watch, look और see है ना, इसमें बहुत ज्यादा confusion होता है बच्चों को. बच्चों को क्या, बड़ों को भी होता है. तो आज का ये topic है कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों एक दूसरे से अलग है. क्या क्या, वॉच, लुक एंड सी. तो अब सबसे पहले देख लेंगे हम लोग कि सी, सी का कंसेप्ट क्या है. सी को हम लोग किस तरीके से स्पोकन में या फिर हम लोग राइटिंग स्किल में यूज करेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन हम लोगों को ना हो और सब कुछ क्लियर हो जाए. तो आज के बाद में भी आप लोग को इस टॉपिक पे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर अबाउट दैट. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे सी, है ना. अब देखो यहाँ पर भी ये जो बच्चा है ये भी अपने आई दिखा रहा है और ये अपने आंखों से देख रहा है, ठीक है. तो जो ये सी है ना, इसका क्या कंसेप्ट है कि वी सी, वी यूज सी व्हेन वी स्पॉट समथिंग, ठीक है, जो कि सडनली टू सी और नोटिस समबडी समथिंग. अब होता ये है कि सी क्या होता है कि हम लोग आंख से देखते हैं हम लोग, ठीक है. तो आंख जैसे ही हम लोग खोलते हैं या फिर किसी और देखते हैं, ठीक है, है ना, लुकिंग टुवर्ड्स, कभी हम लोग सामने देखते हैं, कभी अपने दाएं बाएं, तो इंटेंशनली नहीं देखते कि कुछ देखना है या फिर कुछ ऐसा चीज है कि जो हम लोग को मन से हम लोग सोच के किसी चीज को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है. सिर्फ आंख खोले या फिर हम लोग का नजर किसी और गया तो उस चीज को जस्ट हम लोगों ने देख लिया, बस. इंटेंसिवली हम लोग नहीं देखे चीजों को, सिर्फ बस देख लिए, सडनली देख लिए, सडनली आंख पड़ गया. तो ऐसा टाइप का, चाहे वो कुछ इंसान हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो या फिर वो कुछ चीज हो या कुछ सामान हो, है ना, या फिर वो लिविंग थिंग्स हो या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी चीज को बिल्कुल सडनली देख लेते हैं तो उस समय हम लोग उस चीज को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं. आइए देखते हैं एग्जाम्पल. जैसे रीना एंड नीना कुड सी शर्मा जी वॉकिंग ऑन द रोड, है ना. ये है नीना और ये है, मतलब ये रीना है और ये नीना है, ठीक है. ये दोनों ये हैं शर्मा जी. शर्मा जी थोड़े से यंग लग रहे हैं, वैसे शर्मा जी नाम से लगता है कि थोड़े से ओल्ड होंगे, लेकिन ओल्ड है नहीं ये, ये थोड़े यंग ही लग रहे हैं. तो शर्मा जी को ये दोनों जाते हुए वॉकिंग करते हुए रोड में देख रही है या फिर देख सकती है, ठीक है. तो इन लोगों ने इंटेंसली नहीं देखा इनको, ये भी रोड पे थी और ये भी रोड से वॉकिंग करते हुए जा रहे थे, तो इनका नजर पड़ गया दोनों का, तो इन दोनों ने इन्हें देख लिया, बस, दैट्स इट. इसमें और कुछ भी समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मतलब बेमतलब हम लोग किसी को भी देख लिए चलते हुए, तो बस वही सी का कंसेप्ट है, ठीक है. फिर नेक्स्ट देख लेते हैं. अब है लुक, है ना. अब लुक का तीनों का मीनिंग जो कि है देखना ही, है ना. तो सी का भी मीनिंग है देखना, अब लुक का भी मीनिंग है देखना. तो अब लुक को देखेंगे कि लुक को किस तरीके से देखेंगे हम लोग, तो लुक को किस तरीके से देखना है, ठीक है. वी यूज लुक व्हेन वी टर्न टुवर्ड समथिंग सो दैट वी कैन सी इट, है ना. वी कैन से समथिंग अबाउट पर्टिकुलर पॉइंट एंड डिरेक्शन. अब इसका मीनिंग है कि जब हम लोग किसी और देखते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ या फिर किसी डायरेक्शन की तरफ इंटेंशनली देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सडनली देख लिए, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, लुक बोलते हैं. किसी चीज को बिल्कुल पॉइंटली देखना या फिर किसी डायरेक्शन में देखना, तो उस चीज को हम लोग लुक बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सी में क्या था कि कोई भी चीज हम लोग आंख खोले, जो जो सामने आया या फिर किसी भी तरफ हम लोग देखे, तो वो चीज क्या था, सी था, ठीक है. अब लुक क्या है कि किसी भी चीज को हम लोग पॉइंट आउट करके देख रहे हैं, एकदम पॉइंटली देख रहे हैं फिर डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो बस क्लियर है कि डायरेक्शन में देख रहे हैं फिर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं, तो बस वही क्या है, लुक है. जैसे एग्जाम्पल है, लुक एट ऑल दोज काइट सेड मीना, ठीक है. अब यह है मीना और ये मान लो इसका तो नाम नहीं मेंशन किया है, तो मान लो रवि है,
तो ये मीना रवि को बोल रही है कि भाई ये जो काइट्स है ना इनको देखो। तो ये काइट्स क्या है, एक पॉइंट आउट की ना काइट्स के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर ये पॉइंट आउट करते हुए बोली कि इन काइट्स को देखो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तब ये देखा कि हाँ भाई देखते हैं क्या है। तो ये देखा कि हाँ दो काइट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बस यही चीज है, इसका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है कि जो चीज पर्टिकुलर थिंग्स है जिसको पॉइंट आउट करके दिखाया। जैसे हम लोग बोलते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट दिस पिक्चर, तो हम लोग क्या करते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इस चीज को देखो, इस चीज की ओर देखो। तब हम लोग क्या यूज करते हैं, लुक यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वॉच, है ना। अब वॉच का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वॉच भी देखना ही है, लेकिन इसका कंसेप्ट किस तरीके से है। वी यूज वॉच व्हेन वी लुक एट समवन और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये वॉच करना किसी चीज को, ठीक है, एकदम मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए। सी क्या है कि देखे हम लोग नजर हटा लिए। लुक क्या था कि पॉइंट आउट किए किसी चीज को, अब उस बारे में उसको देख लिए, हो गया। वॉच है किसी चीज को हम लोग लंबे समय तक देख रहे हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस समय क्या है, या वो कोई पर्सन हो सकता है समवन, या फिर वो कोई थिंग कोई चीज हो सकती है जिसको हम लोग लंबे समय से वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट यही है कि किसी भी चीज को हम लोग थोड़े लंबे समय से देख रहे हैं जो कि मूविंग पोजिशन में है। ठीक है, जैसे वी कैन वॉच समवन और समथिंग एज अ मूविंग सिचुएशन और पोजिशन, वो मूव कर रहा है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि टीवी, टीवी देखना है ना। तो टेलीविजन में ये जो चलचित्र जो भी आ रहा है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। या हम लोग मोबाइल के भी कंसेप्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, कि वॉच करना है ना, हम मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आई वॉच द मोबाइल, है ना, मैं मोबाइल देख रही हूँ, या फिर आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। तो टीवी क्या है, हम लोग मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं टीवी के अंदर जिसको हम लोग देखते हैं, या कंप्यूटर बोल लीजिए, लैपटॉप बोल लीजिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सामान जिसको हम लोग बिल्कुल वॉच कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं उस चीज को, और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं। तो बस वो हो जाएगा वॉच के कंसेप्ट में। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि होगा अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह गया है तो वो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ सी लुक और वॉच। ठीक है, सी लुक और वॉच के साथ हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए और फिर खुद से बोलिए कि क्या होगा। तब ये हो सकता है कि अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं तो लास्ट में बताऊंगी ही क्या है, लेकिन आप लोग भी इस चीज को कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, पॉज कीजिए, खुद से बोलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो आई डैश कार्टून्स ऑन टेलीविजन इन द इवनिंग। बिल्कुल, ये क्या बोल रहा है कि मैं टेलीविजन में कार्टून देखती हूँ, कब, इवनिंग में, है ना। ये डेली रूटीन बताया जा रहा है कि मैं कार्टून देखती हूँ टेलीविजन में। ठीक है, तो टेलीविजन है, टेलीविजन के अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि मूव करता है, और टेलीविजन हम लोग कुछ देर के लिए तो जरूर ही देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वॉच। ठीक है, तो अब सेकंड है ना, सेकंड में अब देख लेंगे क्या है। सेकंड है आई कैन डैश अ येलो बिल्डिंग फ्रॉम माई विंडो। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई मैं देख सकती हूँ मेरे बिल्डिंग के, अ येलो बिल्डिंग मतलब एक पीले बिल्डिंग को मैं अपने विंडो से देख सकती हूँ। ठीक है, तो इंटेंसली भाई बिल्डिंग है सामने, मैं विंडो के में पहुंच गई और मैं उस चीज को मैंने देख लिया। ठीक है, इंटेंसली तो कोई बिल्डिंग को हम लोग क्यों देखेंगे, अब बिल्डिंग है, नॉर्मली जनरली चीज है ना, अब उसमें ना कोई पॉइंट आउट करना, ना कोई सीखने का चीज है, जस्ट एक बिल्डिंग है। तो मैं उस बिल्डिंग को क्या, मैं देख सकती हूँ अपने विंडो से, ऐसे जनरली कैजुअली देख सकती हूँ। तो आई कैन यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आई कैन सी, है ना, राइट। चलिए, ये हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वॉच। ठीक है, ये वॉच हो गया या सी हो गया।
अब डैज एट मी आई एम ऑन द स्विम सेड आशा। अब आशा कुछ चीज को पॉइंट आउट करवा रही है कि मुझे देखो मैं कहाँ हूँ, स्विम में हूँ, झूला में हूँ, मुझे देखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट आउट कराने में लुक हो जाएगा किसी चीज को पर्टिकुलरली। वो कहाँ पर है, स्विम में है, तो पर्टिकुलर वही जगह पे है, तो क्या बोल रही है कि भाई मुझे देखो, है ना। तो क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, ठीक है, लुक हो जाएगा ये। ना ही ये कोई ऐसे जनरली देख ली, है ना, अपने से कि हम लोग सी बोल दिए। ना ही ये वॉच है कि बहुत देर तक किसी चीज को वॉच किया जा रहा है, जस्ट बस एक पॉइंट को देखने के लिए बोला जा रहा है ना, किसी एक्शन को देखने के लिए बोला जा रहा है, तो बस लुक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, ऋषि लाइक्स टू स्टैंड ऑन द बीच, है ना। अब ये क्या है, डैश द वेव्स। अब ऋषि को बहुत पसंद है बीच के सामने खड़े होकर जो लहरें होती है ना उन्हें देखना। अब लहरें को क्या है कि मूविंग है, लहर क्या होती है, लहर ऐसे ऐसे चलती है ना, मूविंग होती है लहर, ऐसे 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 करके चलती है, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। और लहरों को कभी कभी हम लोग ऐसे शांत, कभी अच्छा नहीं लगता या फिर मन करता है तो बीच में अगर जाके बैठे, या फिर कभी हम लोग होता है कि नेचर का जो भी पेड़ पौधा है वो सबको हम लोग शांति से बैठ के देखना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, वॉच करते हैं उसको, हम लोग थोड़े से लॉन्ग टाइम तक देखते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग के पास फ्री टाइम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। आप लोग कर रहे हैं ना पॉज करके, बिल्कुल पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, कैन यू डैश माई पेन एनीवेयर, आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट। अब ये क्या है कि भाई तुमने मेरे पेन को कहीं देखा है क्या, मुझे लगता है कि मैंने उसे खो दिया। अब यहाँ एक एक करके लगा के देखते हैं, वॉच, लुक और सी कौन सा लगता है। सबसे पहले देखते हैं वॉच। अब वो वॉच का क्या मीनिंग होता है कि कुछ लॉन्ग टाइम तक किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तो वॉच लगेगा नहीं, वॉच का कोई कंसेप्ट ही है नहीं। अब देख लेते हैं लुक। तो अब लुक क्या है, किसी चीज को पर्टिकुलर देखने के लिए कहा जा रहा है, किसी पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पर तो वो चीज कुछ है ही नहीं, अब यहाँ सिर्फ जस्ट पूछा जा रहा है कि तुमने क्या मेरे पेन को देखा, तो कैन यू सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसली तो किसी चीज के वो देखने का बात नहीं है, बस ऐसे ही है कि जनरली तुमने मेरे पेन को देखा है क्या, तो जो देखा है उसका तो कोई इंटेंसली कुछ अपना व्यू तो होगा नहीं, वो जस्ट ही देख लिया होगा या नहीं देखा होगा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कम एंड डैश एट दिस फोटोग्राफ महिमा सेंट मी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है और पर्टिकुलरली कोई चीज को देखने के लिए पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम एंड लुक एट दिस फोटोग्राफ, क्योंकि किसी चीज को बिल्कुल पॉइंट से बोलने के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लुक हो जाएगा। कैन यू डैश द ब्लू कार इन द पिक्चर। अब ये भी क्या है कि अब एक पिक्चर में क्या है, एक ब्लू कार है, तो क्या बोला जा रहा है कि तुमने क्या पिक्चर में जो है वो ब्लू कार देखा है, तो कैन यू सी हो जाएगा। इंटेंशनली नहीं, बस ऐसे ही पूछ दिया कि क्या तुमने देखा है, मतलब आंख पड़ी और देख लिया, तो बस ये हो गया कि क्या तुम देख सकते हो ये पिक्चर में जो ब्लू कार है, तुम देख सकते हो इसको, तो इंटेंशनली हो गया। तो फिर ये टॉपिक यही खत्म हो गया, अब तो कुछ है नहीं, जहां से स्टार्ट किए थे बहुत जल्दी खत्म हो गया, वैसे थोड़ा लंबा चलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कंटेंट इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं समझाने के लिए, इतना ही था। तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए ऐसे कुछ कुछ कंसेप्ट जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते बच्चों को, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ले आऊं और आप लोग को इस चीज को समझा दूं। अगर समझ में आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन है उसके लिए, हम लोग तो आमने सामने बात कर नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑनलाइन बताया जा रहा है, ऊपर से रिकॉर्डिंग वीडियो है, तो आप लोग अगर समझ में नहीं आता है
तो ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम उस चीज को जरूर बता दूंगी। लेकिन अगर कमेंट नहीं करेंगे और कंफ्यूजन से जूझते रहेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, क्योंकि राइटिंग स्किल्स जब आप लोग लिखेंगे किसी चीज को तो ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय कन्फ्यूजन होगा जब लिखेंगे कि वॉच कहाँ लिखना है, लुक कहाँ लिखना है, सी कहाँ लिखना है, तो प्लीज ये सब के लिए अवेयर रहिए। और अगर चैनल अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बस इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।